हे देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ही बाज़ार जैसा या फिर कह लीजिए होटल जैसा इडली, सांभर और नारियल की चटनी। सॉफ्ट, स्पॉन्जी और दानेदार, साथ ही में खट्टी वाली इडली, क्योंकि इडली थोड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी के मेजरमेंट के हिसाब से चावल, उड़द की दाल, साथ ही में पोहा और मेथी को भिगो लिया है। तो चावल या तो आप इडली राइस भी ले सकते हैं, बॉयल राइस भी ले सकते हैं जो कि खास इडली और डोसा बनाने में काम आते हैं, या फिर जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। अब इसके साथ ही उड़द की दाल ली है और पोहा, तो पोहा की जगह आप फ्रेश उबले हुए चावल भी ले सकते हैं। इस कटोरी के हिसाब से मैंने 1.5 कटोरी भर के चावल लिए हैं और आधी कटोरी भर के मैंने उड़द की दाल ली है और 1/4 कटोरी भर के मैंने पोहा लिया है, वाइट पोहा, और 1 चम्मच मैंने मेथी के दाने डाले हैं। इन सारी ही चीज़ों को मैंने रात को भिगो के रख लिया था क्योंकि मुझे आज रात को ये बनानी है, तो इसे मैंने कल रात को भिगो के रख दिया था। एक ही कटोरी आपको लेनी है और उसी से सारा मेजरमेंट आपको कर लेना है। आप पोहे की जगह चावल ले सकते हैं उबले हुए, अगर आप पोहे नहीं डालना चाहते तो उबले हुए चावल जब आप इसे पीसे उस वक्त यूज़ कीजिए। चाहे तो अगर चावल बच गए हैं आपके घर में तो वो भी आप पोहे की जगह यूज़ कर सकते हैं। पोहे से जो इडली है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी होगी। तो इन सारे मिक्सचर को अब हम एक मिक्सिंग जार में डाल के पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक फ़ायदा और है कि जब हम उड़द की दाल और चावल साथ में पीसते हैं तो कभी भी हमारा मिक्सचर ख़राब होने का डर नहीं रहता, क्योंकि उड़द की दाल में चिकनाहट बहुत होती है और कई बार मिक्सचर जार ख़राब हो सकते हैं। तो जब भी आप भिगोएं, चावल उड़द दाल साथ में ही भिगोइए। अगर अलग अलग भिगो रहे हैं तो पीसने के टाइम साथ में पीसिए। मिक्सचर जार को आधा भरेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इस तरीके का एक बैटर रेडी करेंगे। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इडली का बैटर जो है वो डोसा के बैटर से थोड़ा थिक रहता है। तो मैंने सारा ही मिक्सचर जो है वो पीस कर रेडी कर लिया है और एक देख सकते दरदरा सा पेस्ट मैंने इसका रेडी कर लिया है। तो बस पूरी रात इसको भिगोया था और अब सुबह में इसको पीस लिया है और अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए सुबह पीस कर पूरा दिन रखेंगे ताकि शाम तक ये पूरी तरीके से फर्मेंट हो जाएगा। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो आपको अगले दिन सुबह इसको भिगोना है, शाम को पीस लेना है और पूरी रात इसको छोड़ देना है फर्मेंट होने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का आपको बैटर बनाकर रेडी करना है। इसको कम से कम 6 घंटा भिगोना है, 7 से 8 घंटा इसको फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा जब आप पीस ले, उसके बाद कम से कम इसको 7 से 8 घंटा चाहिए। और अगर सर्दियों का टाइम हो तो आप इसे 1-2 घंटा धूप में रख दीजिए, तो भी इस मिक्सचर में बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा। इसे कर लेंगे कवर और इसे रख देंगे। अब इसे चेक करेंगे सीधा रात को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, शाम हो चुकी और ये देखिए कितना बढ़िया सा ये फर्मेंट हो चुका है, राइज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बाउल में ऊपर आ चुका है ये, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ही एयर बबल्स इसमें प्रोड्यूस हो चुके हैं, मतलब ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये फर्मेंट हो चुका है, इस एयर बबल से ही हम पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये बैटर थिक लगता हो बहुत ज़्यादा तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मैंने इसको फर्मेंट होने रखा था तब मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया था। तो नमक जब आप इसको बनाएं उसी वक्त आपको इसमें नमक ऐड करना है। बस इसमें कोई भी सोडा वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें। ये बहुत ही बढ़िया से फर्मेंट हो चुका है। मेथी के दाने डालने से इसका फर्मेंटेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और नमक को अच्छे से इस बैटर में हम मिक्स कर लेंगे।
और बस अब ये बैटर इडली बनाने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए इडली बनाते हैं। तो इडली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इडली स्टैंड ले लिया है। इसको हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इसमें हम जो बैटर हमने रेडी किया है उसको पोर कर लेंगे। तो इसकी कैविटी को हम पूरा ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ी जगह रखेंगे ताकि ये फूल कर पूरी बाहर ना आ जाए और अच्छे से शेप में रहे। तो सारी ही कैविटीज़ को भर लेंगे और स्टैंड को रेडी कर लेंगे। साइड में पानी भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी इसकी कैविटीज़ को भर लिया है और यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है। तो अब स्टैंड को हम इसमें डाल देंगे। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला हो या फिर आपके पास अगर स्टीमर है तो बहुत बढ़िया, ना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर से कर लेंगे कवर और इसको मैंने पूरे 10 मिनट के लिए स्टीम होने रखा था। 10 मिनट के बाद गैस को बंद कर दिया है और अब चेक करेंगे। तो अगर टूथपिक अच्छे से बिल्कुल ही साफ़ बाहर आती है, मतलब ये बिल्कुल ही अच्छे से स्टीम हो चुकी है। अगर आपको लगे कि टूथपिक साफ़ नहीं आ रही है तो आप 2 मिनट और इसे स्टीम कर सकते हैं। तो बस स्टैंड को अब हम निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद जब आपको इडली निकालनी हो तो जो भी चम्मच या स्पैटुला आप ले रहे हैं उसको हल्का सा पानी लगाकर इस तरीके से आप इडली को निकालिए। पानी लगा लेंगे तो इडली बड़ी ही आसानी से निकल आएगी, डिमोल्ड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इडली को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ही जालीदार और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली बनकर रेडी हो गई है। इसकी जाली से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अच्छे से फर्मेंट हुई है और बिल्कुल ही सॉफ्ट, नरम और दानेदार इडली बनकर रेडी हो गई है। तो हम सारी ही इडली को निकाल लेंगे। अब चलिए बनाते हैं सांभर। तो सांभर की रेसिपी पहले भी मैंने शेयर की हुई है, आज फिर से शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने ले ली है तुअर दाल। इसको मैंने आधा घंटा भिगोया था। एक छोटी कटोरी के हिसाब से तुअर दाल भिगोई है मैंने। ये मैंने ले ली है इमली। इमली को गर्म पानी में मैंने भिगो के रखा था। तो इमली को मिक्सर में पीस कर हम इसका पल्प निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं वेजिटेबल्स। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइसिस में कट किया है, 2 टमाटर है बड़ी साइज़ के इसको रफली कट किया, और ये मैंने ली है लौकी यानी कि दूधी। इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लेना है। तो चलिए अब ले लेते हैं एक कुकर। तो कुकर में हम सबसे पहले डाल देंगे तुअर दाल जो हमने भिगो के रखी थी। इसको आधा घंटा भिगोया था मैंने। और इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे कि प्रेशर होने पर पानी बाहर आए, थोड़ा पानी डालेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स यहाँ पर पहले हम टमाटर और प्याज ही डालेंगे, लौकी पहले नहीं डालेंगे क्योंकि वरना लौकी बिल्कुल ही कुक होके अंदर मिक्स हो जाएगी, इसके चंक्स नज़र नहीं आएंगे। तो प्याज और टमाटर मैंने डाल लिए हैं। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे, लौकी को साइड में रख देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। और अब कुकर को बंद करके हम इसकी 4 विसल्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी 4 विसल्स लगा ली है और आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, दाल भी अच्छे से पक गई है। आप चाहे तो इस वक्त एक गोटनी या मैशर की हेल्प से दाल को मैश कर लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे जो दूधी यानी कि लौकी हमने कट करके रखी थी। लौकी के साथ ही इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो लौकी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस दाल के साथ। और अब फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि दाल चिपके नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में तीखा ज़्यादा खाया जाता है
आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ही लाल मिर्ची इसमें डालिएगा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आप फिर से कुकर बंद कर लेंगे और अब सिर्फ हमें 2 विसल्स लगानी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 विसल्स हो चुकी है और एयर बिल्कुल ही रिलीज़ हो चुकी है। तो अब हम कुकर खोल लेंगे और ये देखिए सांभर जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं लौकी भी गल गई है लेकिन इसके चंक्स नज़र आ रहे हैं। लौकी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है सांभर में। तो चलिए इसे तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल को होने देंगे गरम और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम सूखी लाल मिर्ची। 3 से 4 लाल मिर्ची डाल देनी है हमें। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। इसके साथ ही डाल देंगे कड़ी पत्ता। और अब जो सांभर हमने रेडी किया है यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स थोड़ी सी हींग भी डाली है। और अब सांभर को हम पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि तड़का बहुत गर्म है तो एकदम से ऊपर आएगा। और बस थोड़ा डालने के बाद पूरा सांभर इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना ही बढ़िया कलर आया है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, मैंने अभी तक सांभर मसाला नहीं डाला है। तो फ्रेंड्स अब इसमें डाल देंगे इमली का पल्प और सांभर मसाला अब हम इसमें डालेंगे क्योंकि अगर पहले डाल देते तो सांभर मसाले का जो टेस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता। वो महक और खुशबू और टेस्ट तभी आएगा जब हम सांभर मसाले को लास्ट में ऐड करेंगे। तो सांभर मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन मैं पर्टिकुलरली एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई एवरेस्ट का पेड प्रमोशन नहीं कर रही लेकिन जो मैं घर में बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भर के सांभर मसाला डाल लिया है। इससे सांभर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो बस इसमें एक उबाल आ चुका है और ये सांभर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप चाहे तो कुकर के ऊपर भी तड़का लगा सकते हैं। और अब इसमें लास्ट में डाल देंगे धनिया और धनिया को भी हम सांभर के साथ मिक्स कर लेंगे और ये सांभर जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब चलिए कोकोनट चटनी बनाने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच ऑयल और ऑयल में हम डाल देंगे पीनट यानी कि मूंगफली, कच्ची मूंगफली है ये। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने रोस्टेड चना दाल जिसे दालिया भी बोलते हैं वो डाल दिया है। 3 हरी मिर्ची है और ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। कब तक? जब तक कि इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इसी तरीके से लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसमें गोल्डन कलर ले आना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस गैस को करेंगे बंद, इसको होने देंगे ठंडा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको डाल देंगे मिक्सर जार में, सारा ही मिक्सचर डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो कोकोनट की स्किन पील ऑफ कर सकते हैं। मैं कभी भी पील ऑफ नहीं करती इसकी स्किन, मैं ऐसे ही इसको यूज़ करती हूँ। तो कोकोनट मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही डाल देंगे इस पर हरा धनिया। तो धनिया 1 मुट्ठी भर के लिया है मैंने यहाँ पर। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। और इसको पीसने के लिए फ्रेंड्स आपको जितने पानी की ज़रूरत हो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतली रखना चाहें या थिक रखना चाहें वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस इस चटनी को मैंने पीस लिया है और इस तरीके की कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है। तो चलिए अब इसको तड़का लगाते हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई। राई को चटकने देंगे, साथ ही में थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसको हिलाएंगे ताकि राई जल्दी से चटक जाए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता और यहाँ पे मैंने 2 सूखी लाल मिर्च भी ली है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑयल में हम सौते होने देंगे और इसको फटाफट से हम जो चटनी हमने रेडी की है उसमें डाल देंगे।
तो ये कोकोनट चटनी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इस तड़के को हम थोड़ा सा मिला लेंगे इस चटनी के साथ और इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये ठंडी ठंडी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अच्छे से मैंने तड़के को इस चटनी में मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, एक और रेसिपी मैंने मेरे मेदू वड़ा रेसिपी वाले वीडियो में शेयर की है, आप वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा इस चटनी की। तो अब चलिए इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इडली ले ली है एक प्लेट में और इसके साथ ही डाल देंगे गर्मा गर्म सांभर और इसके साथ डाल देंगे कोकोनट चटनी जो हमने रेडी की। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है? लग रही है ना टेम्पटिंग? अगर आप साउथ इंडियन फूड लवर है तो ये रेसिपी बिल्कुल ही आपके लिए है। तो चलिए मैं आपको इडली भी दिखा देती हूँ और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। सॉफ्ट भी है, स्पॉन्जी भी है, साथ ही में खाने में दानेदार है। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। इसी तरह मेरे दूसरी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।